साई जी रुक जाओ बेला ये दाग देख रहे हो आप न जाने कब से अपने हाथ पे लेकर घूम रही है हमें अपना परिवार मानती है फिर भी हमें नहीं बताया इन्होंने इसके बारे में छुपाती रही अब देखते हैं कौन रखेगा इन्हें हमारे साथ ही आना पड़ेगा इन्हें साई क्या ये दाग किसी तरह से जा नहीं सकता लेकिन क्यों मानिक इस दाग की जानकारी होने से तुम्हारे रिश्ते में क्या फर्क पड़ता है ये दाग तो कैसा है अगर इनका पूरा शरीर भी इस दाग से भर जाए ना तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ये सोच भी कैसे लिया कि एक दाग के कारण हमारा प्यार कम हो जाएगा बेला ने दाग के बारे में हमें पहले ही बता दिया था कोई फर्क नहीं पड़ा फर्क इससे पड़ा कि आप घर छोड़ के चली गई थी हमें चिंता इस बात की थी कि हम आपको आपको कैसे ढूंढेंगे लेकिन साई इस दाग से आई को तो फर्क पड़ता है ना एक तरह की हीन भावना आ जाती है इनके मन में और हम अपनी आई को ऐसे मुंह छुपाकर डर डर के जीते हुए नहीं देख सकते हैं हम जब भी इनकी ओर देखते हैं हमें ईश्वर की दी हुई सबसे खूबसूरत भेंट दिखाई देती है हम चाहते हैं कि आई को भी यही महसूस हो मुझे माफ करो बच्चों मैं तुम्हें खोने से डरती थी इसलिए ये बात छुपाई तुमसे माफ करो आपको खोने की तो कल्पना भी नहीं कर सकते हम इतने सौभाग्य से माँ की ममता मिली है माँ का महत्व क्या है ये उससे पूछिए जिसके सर पे माँ का साया ना हो आपका लाख लाख शुक्र आपने मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार दिया अब मुझे अपने
दागों की भी कोई चिंता नहीं। आई हमारे घर चलो, खून का रिश्ता है हमारा। किस काम का ऐसा खून का रिश्ता जो एक दाग के आगे अपना रंग खो दे। मैं मानता हूं गलती हुई है मुझसे, इंसान हूं, गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन मेरी आई को पट्टी पढ़ाकर भड़काया तो तुम नहीं है ना? जायदाद हड़पना चाहते हो हमारी जो अब भी आई के नाम पर है। हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए, आप रखिए इनकी जायदाद। अरे जाओ जाओ, ऐसा तुम अब बोल रहे हो, कल आ जाओगे हिस्सा मांगने। मैं गांव के मुखिया के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लिखवाऊंगा कि तुमने मेरी आई को बहकाया है। जेल भिजवा कर रहूंगा तुम्हें, हमें आई की जरूरत है और अब ये हमारे साथ आएंगी। जो करना है करो, मैं भी देखता हूं कौन हमें हमारी आई से दूर करता है। तुम्हारे जैसे मतलबी बेटे के साथ कोई मां नहीं रहना चाहेगी। बहुत मुंह चलता है तेरा, रुक जाओ। तुम दोनों आपस में ही फैसला करोगे? या सरस्वती माई से भी पूछोगे कि इनकी मर्जी क्या है? बताइए माई, आप किसके साथ रहना चाहेंगी? गांव के मुखिया के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लिखवाऊंगा कि तुमने मेरी आई को बहकाया है। जेल भिजवा कर रहूंगा तुम्हें। मां तो वही रहना चाहेगी जहां उसके प्यार को बच्चे समझ सके, उसकी इज्जत कर सके। मानिक बेटा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। मेरा दिल तो यही कहता है, लेकिन मेरी वजह से तुम पर कुछ आ जाए ये मुझे मंजूर नहीं। इसलिए कि मेरा ये स्वार्थी बेटा तुम्हारे लिए कुछ मुसीबत खड़ी करे, मैं इसके साथ वापस जाऊं यही ठीक होगा। सुना? चलो आई। आई, हम आपके लिए कोई भी मुश्किल सह लेंगे। आई, हमें छोड़कर मत जाइए। भलाई इसी में है बेटी, मैं यहां से चली जाऊं।
लड़की चल हट। नहीं, मैं अपनी अज्जी को कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई नहीं छीन सकता मुझे इनसे। अपने बाप की तरह तुम्हारी भी जुबान बहुत चलती है, बदतमीज। अंदर ले आओ जल्दी। बेला, बेला, साई हमें इसे अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए। श्रद्धा और सबूरी। साई कुमकुम, जैसा आप चाहते थे वैसे तैयार कर दिया है। तुम्हें विश्वास है ना श्यामा कि इसमें एक भी गुठल नहीं है? हाँ साई, मैंने अच्छे से देखा है। क्या हुआ इस बच्ची को? कहते हैं कि इसके दिल में खून के थक्के हैं। कोई इलाज नहीं है। कौन है ये लोग? बंदे हैं हम सारे उसके, बंदे हैं हम सारे उसके, सबका मालिक एक। श्रद्धा और सबूरी रख कर काम किए जाने एक। कोई भी राह, सफर उस तक पहुंचे हर एक डगर। राही को दिखाए राह गुजर, बस एक नजर तेरी एक नजर। रहम नजर साई, रहम नजर, मेरे साई, मेरे साई, रहम नजर साई।
छोड़कर मत जाइए ना। अब तो ये ठीक हो गई ना, चलो आई। नहीं अज्जी। नाना, अब वो समय आ गया है जब तुम एक माँ की सेवा करके अपनी आई की सेवा करोगे। मेरी अज्जी को मेरे पास रहने दीजिए ना, मत ले जाइए मेरी अज्जी को। मैं सब समझ गया, ये चमत्कार तुम सब लोगों का ढोंग था ना। क्या लगता है तुम लोगों को, तुम लोगों का ये ढोंग देख करके मैं अपनी आई को यहीं छोड़ दूंगा? आई के जाने के बाद पहले ही बहुत नुकसान हुआ है मुझे, अब आई मेरे साथ चलेंगी, नहीं तो मैं फैसला करने के लिए गांव के मुखिया को बुलाने जा रहा हूं। याद है ना तुम्हारी आई ने तुमसे कहा था कि जब भी किसी जरूरतमंद मां को देखो तो उनकी मदद करो, ये सेवा उन तक पहुंच जाएगी। मुझे आदेश दीजिए साईं, मुझे क्या करना है? समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे। मां किसके साथ रहेंगी इसका फैसला किसी का फायदा नुकसान देखकर नहीं लिया जा सकता है। वहीं रहेंगी जहां इनका दिल चाहेगा, जैसा कि मेरी पत्नी ने मुझे बताया, मैंने देखा समझा, उससे यह स्पष्ट है ये इन लोगों के साथ रहना चाहती हैं। और मजबूरी में ही तुम्हारे साथ लौटना पड़ रहा है। तुम होते कौन हो बीच में टांग अड़ाने वाले? मैं अहमदनगर का डिप्टी कलेक्टर हूं। अब अगर तुमने अपनी आई को मजबूर करने की कोशिश की तो मेरे पास जितनी भी सरकारी ताकत है और कानूनी अधिकार हैं उनके तहत मैं तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा। जेल में सड़ोगे तुम। ठीक है, जहां रहना है रहो, लेकिन मुझे पता है ये राम मूर्ति हमेशा से हमारे खानदान में रही है और बाबा कहते थे कि इन्हीं की वजह से हमारे खानदान में बरकत थी। ये मूर्ति वापस करो हमें। जानते हो बेटा, ये मूर्ति मूर्ति नहीं, इसमें मेरे प्राण बसते। लेकिन खानदानी मूर्ति तो खानदान के बेटे के साथ ही रहेगी ना आई, आप चाहो तो मूर्ति के साथ आप भी आ जाओ।
आई? आप सचमुच यहीं रहना चाहती हैं? अब से मैं यहीं रहूंगी तेरे पास। धन्यवाद बेटा, आज तुम्हारी वजह से मुझे अपनी इच्छा से जीने की आजादी मिली है। धन्यवाद करना है तो साईं का कीजिए माई। इन्होंने मुझे सिखाया कि विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है। ये आप लोगों का साईं पर विश्वास ही है कि ये लड़की अभी सही सलामत खड़ी है, नहीं तो इसका इलाज ही नहीं है किसी वैद्य के पास। साईं, मैंने आप पर विश्वास किया तो उससे एक मां का भला हुआ। साईं, आज मैंने पहली बार आप में उस व्यक्ति के दर्शन किए जिस पर आज से पहले मैंने कभी किसी पे भरोसा नहीं किया। मेरी आई, आस आई, मैंने अपनी आई के दर्शन किए आप में। मैं जो हमेशा हर बात में तर्क ढूंढा करता था, प्रमाण के अलावा किसी बात पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन आपने ऐसी अनुभूतियां करा दी कि अब आप पर विश्वास ना कर पाना संभव नहीं है। हाँ सही, मैं डरता था आई को खो देने के बाद। मैं किसी पर आश्रित नहीं होना चाहता था, फिर से खो जाने का डर, इसलिए मैंने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया। पर आपने मुझे समझाया साईं कि सिर्फ देह तक संबंधों को सीमित रखना मेरी भूल है। संबंध तो अंतर आत्मा का होता है जो अजर है, अमर है, जो कभी नहीं मरती। मेरी पत्नी ने मुझसे सही कहा है, आप ही वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर मैं आश्रित हो सकता हूं, जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूं। आज से आप ही मेरे माता पिता है साई। राम जी, आपने मुझे नया परिवार दिया। साई के रूप में आप खुद मेरे पास आए हैं, लेकिन आपको मेरे बेटे के साथ जाना होगा, उनका ख्याल रखना और उनको सद्बुद्धि देना, और मेरे नारायणी को ढेर सारा प्यार। जा बेटा, अपने घर जा, मैं तुम दोनों को दिल से माफ करती हूं। राम जी तुम दोनों को हमेशा सही राह दिखाएंगे। बिना मांगे जो बच्चों की जरूरत को पूरा करे
वो माँ है। तुम दोनों को माफी की जरूरत थी, इन्होंने दे दी बिना तुम्हारे मांगे। तुमने ये तो जरूर जताया कि इनके ना होने से तुम लोग कैसे मुश्किल में पड़ गए, तुम लोगों की कैसे बदनामी हो गई। उसके बाद तुम इन्हें डराने धमकाने लगे, लेकिन कभी एक बार भी प्यार से आई कहकर नहीं पुकारा, एक बार भी दिल से माफी नहीं मांगी। लेकिन फिर भी सरस्वती माई का आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भाई, आप सच में हमारे साथ नहीं आना चाहती? आपने इतनी आसानी से अपने जन्म दिए बेटे को, भाई ऐसा क्या है इस परिवार में जो हम में नहीं है? तुम्हारी आई के दाग दूर करने का उपचार बता रहा हूं। ये लेप रोज लगाना होगा इन्हें, लेकिन ये काम सिर्फ इनकी पोती कर सकती है। उसके हाथों जब लेप लगेगा तभी इनके हाथ के दाग दूर होंगे। अगर स्वीकार है तो ले जाओ इन्हें अपने साथ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। आइए माई, धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम। सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। आपको दर्द हो रहा होगा ना? नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा।
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। जब से आपकी छाया मुझ पर पड़ी है तब से किसी न किसी रूप में आपका आशीर्वाद ही मुझ पर बरस रहा। निस्वार्थ प्रेम की शक्ति है ये माई, जो एक बच्ची के हाथ लगे लेप ने आपका रोग दूर कर दिया। साई, साई मुझसे भूल हो गई। हमने अपनी आई को हमेशा अपने स्वार्थ के लिए रखना चाहा, पर अब इसका एहसास हो गया है तो क्या हमें सुधरने का एक मौका और नहीं मिलना चाहिए? आई, अब कोई स्वार्थ नहीं, मैं दिल से पूछ रहा हूं, क्या आप अपने घर कभी नहीं लौटेंगे? और नारायणी, आई वो आपका इंतजार कर रही है, हम उसे क्या कहेंगे? हमें ऐसे मत छोड़िए आई। साई, मैं एक परिवार चाहती थी, आज मुझे दो मिल गए। नहीं, मां बच्चों का कभी परित्याग नहीं कर सकती। लेकिन मैं अब भी माहिक और द्रुपदा के साथ ही रहना चाहूंगी। मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं, मगर मैंने तुम दोनों को सब कुछ सिखा दिया, अब इन्हें मेरी जरूरत है, बेला को मेरी जरूरत है। मानिक और द्रुपदा के घर को मेरी जरूरत है। तुम दोनों आते रहना मुझसे मिलने, कभी कभी मैं भी आया करूंगी तुमसे मिलने, और नारायण को मिले बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती, और बेला को भी नारायणी के रूप में एक बहन मिल जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैं ना जाने क्या क्या कह गया, लेकिन मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। पहले तो इसलिए कि आपने मेरी आई को इतना प्यार, इतना सम्मान और वो खुशी दी जो मैं कभी नहीं दे सका। और दूसरा ये, मैंने आपसे सीखा है बेटा कैसा होना चाहिए।
मेरा बंदा रुपया आ गया। साईं, आपने आज मुझे मेरी अज्जी लौटा दी। साईं, आपके कारण हम सबका जीवन सुधर गया। बस अब अपनी रहम नजर हम पर ऐसे ही बनाए रखना। राम जी भला करे। कई लोग अपने स्वार्थ, अपने अहंकार में बुजुर्गों की सेवा न करने का कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस पुरानी पीढ़ी का उनके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। अब उनका कोई डर भी तो नहीं है, तो फिर क्यों सम्मान करें उनका? क्यों कोई त्याग करे उनके लिए जिनके बिना आज सब काम हो सकते हैं? लेकिन सम्मान कोई जिम्मेदारी नहीं है, सेवा कोई ऋण नहीं है, वो तो केवल एक कृतज्ञता का भाव है। उन जड़ों के प्रति कृतज्ञता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पोषण दिया, स्थिरता दी, ताकि तुम फल फूल सको। जो मनुष्य अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, वो किसी और के प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकता है? जो बुजुर्गों का सम्मान, उनकी सेवा ना करे, उसमें और किसी की सेवा करने का सामर्थ्य कैसे हो सकता है? स्मरण रखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो बड़ों का अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। ये कोई चमत्कार नहीं है। सेवा करना तो कृतज्ञता का प्रतीक है, और कृतज्ञ वही हो सकता है जिसमें अहंकार नहीं, स्वार्थ नहीं, और जहां अहंकार नहीं वहां विवेक है, संवेदना है, आभास है, करुणा है। जो व्यक्ति इन गुणों की शक्ति लेकर चले, वो जरूर सुखी होगा। राम जी भला करें। क्या रे, क्या कर रहा है? जी मैं तो दर्शन करने जाती।
समझ गया। तुझे पता है तुझ जैसों को मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में जाना वर्जित है, पता है ना? भक्ति ऊंच नीच कहां समझती है पंडित जी। बदतमीज, अब पंडित जी को तू शास्त्र समझाएगा? अभी बताता हूं तुझे। सेठ जी, आप क्यों इसके मुंह लग रहे हो? नहीं पंडित जी, इसे इसके औकात तो बतानी ही पड़ेगी। सेठ जी, आप शांत रहिए। और क्या कह रहा था तू? भक्ति ऊंच नीच नहीं समझती है, पर मंदिर के कुछ नियम होते हैं और उस नियम के अनुसार तुझे यहाँ कोई स्थान नहीं है। चल जा यहाँ से। शिरडी के साई बाबा तो कहते हैं ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता है, उसके घर में ऊंच नीच नहीं है, सभी को अधिकार है अपने ईश्वर के दर्शन करने का। तो फिर शिरडी के मंदिर जा, यहाँ आकर हमारा मंदिर क्यों अपवित्र कर रहा है? शिरडी में नहीं होते होंगे नियम, पर यहाँ है। चल जा। यहाँ तुझ जैसे लोगों को मंदिर के अंदर तो क्या, मंदिर के द्वार पर भी भटकने की अनुमति नहीं है। मेरे दर्शन करने से विठोबा पवित्र कैसे हो जाएंगे? जाता है या फिर? ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैंने प्रण लिया था कि विठोबा दर्शन किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, ताकि मेरा पैर ठीक हो सके। जब से मेरे पैर में चोट आई है तब से हर कदम पर असहनीय पीड़ा होती है, फिर भी बहुत दूर से चलकर आया हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ, विठोबा के दर्शन बिना नहीं जाऊंगा। तुझे समझता है कि नहीं, तुझे यहाँ कोई स्थान नहीं है, चल जा यहाँ से। मैं विठोबा जी के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा कहीं। लगता है तू मुझे अपवित्र करके ही मानेगा। सेठ जी पकड़िए इसे, मैं देखता हूँ। नहीं। चल 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 निकल यहां से, निकल। कहां से आते समझ में नहीं आता, चल। शिव 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 अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोपि वा यस मरेत पुंडरीकाक्षम समायभ्यंतरम शुचि ही आवाहनम न जानामी न जानामी तवार्चनम पूजान चैवल जानामी क्षम्यताम परमेश्वर। साई बाबा, क्या मैं इस लायक नहीं हूं कि अपने विठोबा के दर्शन कर सकूं? क्या आज एक गरीब की भक्ति हार जाएगी अमीरों से? क्या आपने झूठ कहा था कि ईश्वर ने सभी को बराबर बनाया है? क्योंकि मुझे कभी किसी के बर्ताव में ये नजर नहीं आया। अगर आज मुझे विठोबा के दर्शन नहीं हुए तो मैं मान लूंगा कि मेरी भक्ति बेकार है, मेरी आस्था बेकार है। आज मैं ये निर्णय करके ही रहूंगा। साई, आप? तुमने मुझसे सवाल पूछा था, जवाब देने तो आना ही था, लेकिन आस्था भक्ति पे सवाल क्यों? किसी ने तुम्हें मंदिर की मूर्ति का दर्शन लेने से रोक दिया इसलिए? मंदिर में तो मूर्ति होती है, वहां भी ईश्वर हमारी सोच हमारी नियत के अनुसार ही दर्शन देते हैं। अगर भक्ति सच्ची नहीं तो काशी में भी महादेव नहीं मिलेंगे। और भक्ति में पवित्रता हो, निश्चलता हो, तो भगवान भक्त से मिलने कहीं भी चले आते हैं, जैसे शबरी से मिलने राम जी आए थे। विठोबा भी तो भगवान विष्णु के अवतार हैं, संसार के पालनहार हैं,
संसार के कण कण में विठोबा बसे हैं साईं, लेकिन मैंने जीवन भर इसी भेदभाव का सामना किया है। साहूकार नौकरी देने से मना कर देता है, पानी पीने के लिए गांव के कुएं तालाब नसीब नहीं होते, बाहर जाना पड़ता है पानी लाने। सब मेरी जाति पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं ये मेरे पुराने पापों का फल है। और तो और, जब से मेरे पैर में घाव हुआ है, वैद्य भी देखने को तैयार नहीं होता है। इसलिए मैंने पूरी आस्था के साथ विठोबा से कहा कि मैं निर्जल उपवास करके उनके दर्शन करूंगा, बस वो मेरे पैर का घाव ठीक कर दे। साईं, जिन विठोबा की भक्ति में लीन होकर मैंने हर जुल्म सह लिया, आज ये मुझे मेरे विठोबा से दूर कर रहे, ये मैं नहीं सह सकता। विठोबा है, हर जगह है, लेकिन अब सवाल आत्मसम्मान का है। पैर के घाव के साथ साथ मन के घाव तभी भरेंगे जब मैं विठोबा की मूर्ति के दर्शन करूंगा। ठीक है, तो यहीं बैठो और विठोबा के नाम का जाप करो। यहां बैठकर? मंदिर के अंदर क्यों नहीं? ये देखने के लिए कि विठोबा अपने सच्चे भक्त की पुकार सुनते हैं या नहीं। ठीक है साईं। विठ्ठल जय हरि, विठ्ठल 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 जय हरि, विठ्ठल 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 जय हरि, विठ्ठल 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 जय हरि, विठ्ठल। आंखें खोलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है साईं। तुम्हारी भक्ति देखकर खुद विठोबा तुम्हारे सामने आ गए हैं। आओ, विठोबा के दर्शन कर लो। Thank you.
साईं? मेरे पैर का घाव ठीक हो गया साईं, मेरे पैर का घाव ठीक हो गया। ईश्वर ने हवा बनाई, सूर्य की रोशनी और उष्मा थी, जल दिया, फूलों को सुगंध दी, फलों को मिठास दी, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि ये केवल उन मनुष्यों के लिए है जो धनी हैं, शक्तिशाली हैं। भगवान ने तो प्रकृति सबके लिए बनाई, उसका बंटवारा किया मनुष्य ने। जो नियम मनुष्य को मनुष्य के साथ भेदभाव करना सिखाए, जो नियम भक्त को भगवान से दूर करने पे विश्वास करे, ऐसे कोई नियम भगवान नहीं बनाता है। भगवान ने तो सबको अपनी भक्ति का समान अधिकार दिया है, स्वतंत्र इच्छा दी है। भगवान के लिए भक्त की जाति, उसकी अमीरी गरीबी सब महत्वहीन है। महत्व रखती है भक्त की लगन, उसकी आवश्यकता, उसकी करुणा, उसकी आस्था, उसकी पवित्रता, उसकी नियत। जहां सच्ची भक्ति दिखी, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, वो किसी मूर्ति या मंदिर में कैद नहीं है। तुम दामजी की कथा जानते हो ना? जब अकाल पड़ा, तब दामजी ने राजा के अन्न कोष का सारा अन्न गरीबों में बंटवा दिया। राजा से ये सहन नहीं हुआ और उसने दामजी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। तब विठोबा ही थे जो पीड़ित जात के इंसान का अवतार लेकर दामजी के दान में दिए गए अनाज की रकम राजा को चुकाने आए और दामजी की जान बचाई। और उन विठोबा के मंदिर में पक्षपात करके तुम ना सिर्फ अपना कर्म बल्कि विठोबा के संदेश को भी झुठला रहे हो, विठोबा के मंदिर की गरिमा को खंडित कर रहे हो तुम। हमसे ये कैसी गलती हो गई, बताइए सही, इसका प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित सिर्फ इतना है कि जब कभी तुम किसी को अपने से छोटा, अपने से हीन समझने लगो, तो याद रखना कि तुम ईश्वर से दूर जा रहे हो। जो ईश्वर का सम्मान करते हैं, वो सब में ईश्वर को देखते हैं, और जो नहीं देखते, वो भक्ति नहीं, केवल भक्ति का अभिमान है। श्रद्धा गगन के जैसी जागे तेरे मन में, सबूरी धरा के जैसी राखे जीवन में, राह ये सरल है सीधे प्रभु से मिलाए, बात ये अनोखी हमको साई सिखाए, भेंट यही साई चरण में दे दे चढ़ा। अल्लाह कुछ नहीं मालिक साई इनके सिवाए, ओम साई। उसके होने वाले बच्चे सुरक्षित रहे, और जब कोई माता पिता अपनी औलाद के संरक्षण के लिए प्रयास करें, तो उनकी मदद करना ईश्वर की सेवा करने से कम नहीं होता है। शांत हो जाइए। Sai Om, Sai Om, Sai Om,
अब तुम्हारे अंडे सुरक्षित हैं और मैं दुआ करता हूं कि हर माता पिता को अपनी संतान की मदद करने की शक्ति मिले। प्रणाम साई। राम जी भला करें। अरे संतू, इतनी रात को सब ठीक तो है? मैंने ही इसे बुलाया है तात्या, क्योंकि शिरडी में ऊन छांटने वाला यही एक है। ऊन? संतू, ऊन लाया हो ना? जी साई। ये देखिए। आपने जैसा कहा था मैं वैसा ऊन ले आया, लेकिन साई ये तो उलझा हुआ है। कुछ भी बनाने से पहले इसे सुलझाना होगा, नहीं तो गांठ पड़ जाएगी। लाइए मैं इसे सुलझा देता हूं। नहीं संतु, इसकी जरूरत नहीं है। ये उलझा हुआ है, इसे मैं ही सुलझाऊंगा। एक एक करके अलग करूंगा, तभी तो अच्छा वस्त्र बनेगा, है ना? लेकिन साई, अगर आपको वस्त्र ही चाहिए तो हम ला देंगे, अपने हाथों से वस्त्र बनाना क्यों जरूरी? जरूरी है। मन में साई के क्या है, तभी तो इसे मंगाया है। कौन जान पाए लाइए साई, इसे मैं कर देता हूं। नहीं तात्या, मैं कर लूंगा। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। मुझे कोई जल्दी नहीं है साई, मैं यहां रुक के आपकी मदद। तात्या, आज रात तुम्हारा घर पे होना जरूरी है। जी साई, चलता हूं। राम जी भला करे। बिजली तो ऐसे कड़क रही है जैसे आज कहीं गिरकर ही रहेगी। साई के तरीके निराले हैं, साई की लीला कोई समझ नहीं सकता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि आपका यहां आना, साई से मिलना, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है, जो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। साई कहते हैं कि गुरु और शिष्य का मिलना भी गुरु ही तय करता है। अब तो बस साई से एक ही प्रार्थना है, इतनी सेवा करवा ले मुझसे कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। साईं की सेवा करने का मौका आपको अवश्य मिलेगा, कब कैसे ये साईं तय करेंगे। बातों बातों में मैं जिस काम के लिए यहां आया था वो तो बताना भूल ही गया। इसमें आपका नाम लिखना है और आपके आने की तिथि, और इसमें मुझे आपके दस्तखत भी चाहिए होंगे। वो सब तो ठीक है, मगर किस लिए?
कुछ दिन पहले लोकमान्य तिलक जी और दादा साहेब खापर्डे जी यहाँ आए थे। साई से मिलने के लिए जो लोग यहाँ आते हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये देखकर दादा साहेब ने एक सुझाव दिया कि साई से मिलने के लिए जो भी भक्त यहाँ आएंगे हर एक व्यक्ति के नामों का लिखा जोखा इसमें लिखना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से भी ये उचित होगा और फिर साई के इतने सारे भक्त हैं, कभी कोई उत्सव हुआ तो उन्हें बुलाने में भी आसानी होगी। यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं इतने सालों से साई को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, लेकिन ये मानता हूं कि अपने भक्तों के मुंह से साई बोलते हैं। हो सकता है कि दादा साहेब के द्वारा यह सुझाव देकर साई किसी बात का अंदेशा देना चाहते हो। शुक्रिया, मैं चलता हूं। धन्यवाद।